हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट लर्निंग एवरीडे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट भवानी भट्टाचार्य। आज के हमारे इम्पॉर्टेंट राइटर है भवानी भट्टाचार्य, एक इंडियन राइटर हैं एंड इनके जो इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं उनको डिस्कस करेंगे एंड इनकी जो शॉर्ट स्टोरी है स्टील हॉक उसको भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। आई होप फ्रेंड्स आज की क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करना ना भूलें फ्रेंड्स। एंड अगर किसी अदर टॉपिक पे वीडियो चाहिए आपको तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। भवानी भट्टाचार्य, इनका बर्थ हुआ 10 नवंबर 1906 भागलपुर में। इनका बर्थ हुआ 1906 में एंड इनकी डेथ हुई 10 अक्टूबर 1988 में। एंड इनकी डेथ कब हुई? 1988 में। हिज नॉवल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज डिपिक्ट्स द सोशियो इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल रियलिटीज ऑफ इंडिया। इनके जो नॉवल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज होती है वो किससे रिलेटेड होती है? सोशियो इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल रियलिटीज़ ऑफ इंडिया, इंडिया की जो पॉलिटिकल रियलिटीज़ हैं उनसे रिलेटेड होती हैं। एंड इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला 1967 में। ये किस लिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं? क्योंकि इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है 1967 में। एंड किस वर्क के लिए मिला? सैडो फ्रॉम लद्दाख के लिए, सैडो फ्रॉम लद्दाख वर्क के लिए इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला 1967 में। एंड ये एक बंगाली राइटर हैं एंड इन्होंने अपनी डिग्री की है पटना यूनिवर्सिटी से। एंड पटना यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री की इन्होंने किस में? इंग्लिश लिटरेचर एंड हिस्ट्री में। एंड इन्होंने पीएचडी की है यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से। ड्यूरिंग हिज स्टे एट लंदन ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय मार्क्सिज्म एंड स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज टीचर हारोल्ड लस्की एंड बिकम एक्टिव मेंबर ऑफ द लीग अगेंस्ट इंपीरियलिज्म। He contributed in a number of journals and magazines like the Bookman, the Manchester Guardian and the Spectator. जब ये लंदन में थे, जब लंदन में रहते थे तो ये किससे इन्फ्लुएंस हुए थे? मार्क्सिज्म से। एंड अपने जो उनका जो इनके जो टीचर थे हारोल्ड लस्की उससे वो ये बहुत प्रभावित हुए, बहुत इन्फ्लुएंस हुए एंड ये मेंबर बने थे लीग अगेंस्ट इंपीरियलिज्म के। इंपीरियलिज्म क्या होता है? साम्राज्यवाद। एंड इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया किस में? जर्नल्स एंड मैगजीन्स में। कुछ जर्नल एंड मैगजीन्स में इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। किस किस मैगजीन में इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया? द बुकमैन, द मैनचेस्टर गार्डियन एंड द स्पेक्टेटर। इनके नाम याद रखना फ्रेंड्स। किस किस में इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था? द बुकमैन, द मैनचेस्टर गार्डियन एंड द स्पेक्टेटर। इन 1930 ही ट्रांसलेटेड टैगोर्स द गोल्डन बोट फॉर विच ही वॉज अप्रिशिएटेड बाय टैगोर हिमसेल्फ। 1930 में इन्होंने ट्रांसलेशन की द गोल्डन बोट, जो टैगोर का वर्क था उसको ट्रांसलेट किया एंड क्या नाम दिया? द गोल्डन बोट। फ्रॉम 1932 to 1933 द ट्रेवल वाइल्डली थ्रू यूरोप इंक्लूडिंग बर्लिन, बुडापेस्ट, वॉर्सा, पेरिस एंड वियना। एंड ही रिटर्न टू इंडिया इन 1934 एंड सेटल एट कैलकाटा एंड मैरिड टू सलील मुखर्जी। इन्होंने कहाँ कहाँ की ट्रैवल किया, कहाँ कहाँ का ट्रैवल किया था 1932 से 1933 तक? बर्लिन, बुडापेस्ट, वॉर्सा, पेरिस एंड वियना। एंड ये 1934 में वापस आते हैं एंड सेटल हो जाते हैं कैलकाटा में। कैलकाटा में सेटल होने के बाद इनकी मैरिज होती है सलील मुखर्जी से। इन 1949 ही मूव टू वॉशिंगटन डी सी एंड सर्व एज अ प्रेस अटैची फॉर द इंडियन। एंड इंडियन के जो प्रेस अटैची होते हैं उनके लिए इन्होंने क्या किया? अपना कार्य देना स्टार्ट किया। प्रेस अटैची क्या होते हैं? जो प्रेस के मामलों को संभालते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम प्रेस अटैची। इन 1969 ही बिकेम विजिटिंग प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई एंड डाइड इन यूएसए इन 1988। ही हैज़ बीन अ फ्री लेंसर राइटर। ही रॉट शॉर्ट स्टोरीज, नॉवल्स एंड हिस्टोरिकल स्केचेस। वो उन्होंने क्या लिखना शुरू किया? शॉर्ट स्टोरीज, नॉवल्स एंड हिस्टोरिकल स्केचेस लिखे उन्होंने। एंड इनके कुछ फेमस वर्क्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वर्क है इनका सम मेमोरेबल येस्टरडे, जो कि पब्लिश हुआ 1941 में। एंड सो मैनी हंगर्स वर्क पब्लिश हुआ इनका 1947 में। इंडियन कैवलकेड वर्क्स इनका पब्लिश हुआ 1948 में। एंड ही हु राइड्स अ टाइगर पब्लिश हुआ 1955 में। एंड टू वर्ड्स यूनिवर्सल मैन 1961 में पब्लिश हुआ। म्यूजिक फॉर मोहिनी 1964 में पब्लिश हुआ। सैडो फ्रॉम लद्दाख 1966 में पब्लिश हुआ। ये जो वर्क है इनका सैडो फ्रॉम लद्दाख ये 1966 में पब्लिश हुआ एंड 1967 में इसको क्या मिला था?
साहित्य एकेडमी अवार्ड मिला था भवानी भट्टाचार्य को इस वर्क के लिए, साइडो फ्रॉम लद्दाख के लिए 66 में पब्लिश हुआ एंड 67 में इसको अवार्ड मिला था साहित्य एकेडमी अवार्ड इस वर्क के लिए भवानी भट्टाचार्य को। एंड अदर फेमस वर्क्स हैं इनके, अ गॉडेस नेम्ड गॉल्ड 1967 में पब्लिश हुआ, स्टील हॉक एंड अदर स्टोरीज 1968 में पब्लिश हुआ, एंड इसमें कैरेक्टर है विशन एंड कामिनी। ये जो वर्क है भवानी भट्टाचार्य का स्टील हॉक, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट एंड फेमस वर्क है इनका, 1968 में ये पब्लिश हुआ है। एंड कैरेक्टर कौन है इसमें, विशन एंड कामिनी इसमें कैरेक्टर है। ये एक शॉर्ट स्टोरी है भवानी भट्टाचार्य की, ये क्या है एक शॉर्ट स्टोरी है, इसको थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं हम, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये। ये जो स्टील हॉक वर्क है भवानी भट्टाचार्य का, ये एक शॉर्ट स्टोरी है। एंड स्टील हॉक का मीनिंग क्या है, स्टील मतलब होता है मेटल एंड हॉक मीनिंग होता है आपका बाज। तो स्टील हॉक का मीनिंग क्या है आपका, स्टील मीन्स मेटल एंड हॉक मीन्स बाज। ये शॉर्ट स्टोरी है। ये जो स्टोरी है इस तरह से स्टार्ट होती है कि एक ऐसे बाज की चर्चा होती है इस स्टोरी में, जो कि स्टील से, इट मीन्स टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। इस शॉर्ट स्टोरी में ऐसी बाज की चर्चा होती है जो कि टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। ये जो टाइटल है भवानी भट्टाचार्य ने हेलीकॉप्टर के लिए दिया है, स्टील हॉग जो टाइटल है ये किसके लिए दिया है भवानी भट्टाचार्य ने, हेलीकॉप्टर के लिए दिया है। बट हेलीकॉप्टर की चर्चा पूरी कहानी में कहीं भी नहीं होती है, बस साइन के लिए यूज़ किया है हेलीकॉप्टर के लिए स्टील हॉक को, लेकिन उसकी चर्चा कहीं पे भी नहीं होती है हेलीकॉप्टर नाम की, क्योंकि गांव के लोग जो हैं वो हेलीकॉप्टर को नहीं जानते हैं, हेलीकॉप्टर के नाम से उसको नहीं जानते, वे उसे जानते हैं फ्लाइंग वंडर्स के नाम से। स्टील हॉक स्टोरी में हेलीकॉप्टर की चर्चा की गई है एंड उसको भवानी भट्टाचार्य ने कंपेयर नहीं किया है, उसको नाम दिया है स्टील हॉक, क्योंकि हेलीकॉप्टर के नाम को गांव के लोग नहीं जानते हैं, वो जानते हैं फ्लाइंग वंडर के नाम से हेलीकॉप्टर को। तो एक दिन क्या होता है, एक दिन जो बिशन जो है वो एक दिन पास के गांव में फ्लाइंग वंडर को देखने के लिए जाता है अपनी बैलगाड़ी से, क्योंकि वो क्या है एक कार्टर है, उसके पास बैलगाड़ी होती है, तो वो बैलगाड़ी में बैठ के पास के गांव में फ्लाइंग वंडर को देखने के लिए जाता है। सभी लोग उसे देखने के लिए वहाँ पर इकट्ठा होने के लिए जाते हैं देखने, क्योंकि गांव में कोई भी नई चीज़ आती है तो सब उसे आश्चर्य से देखने के लिए जाते हैं कि क्या हुआ है गांव में, क्या आया यह नई चीज़, सभी लोग बड़े उत्साह से जाते हैं। तो बिशन भी गया था उसे देखने के लिए एंड सभी शोर मचा रहे हैं कि एंड उसे आश्चर्य से देख रहे हैं कि बड़ी विचित्र चीज़ उनके गांव में उतरी है। सब लोग जो हैं उसको बड़े आश्चर्य से देखते हैं कि ये कौन सी विचित्र चीज़ है जो उनके गांव में उतरी है। जब बिशन जा रहा होता है पास के गांव में, तभी उन्हें रास्ते में एक स्कूल टीचर की वाइफ कामनी मिलती है। स्कूल टीचर की वाइफ का नेम क्या है, कामनी, जो कि उन्हें मिलती है रास्ते में जब बिशन जो पास के गाँव में फ्लाइंग वंडर को देखने के लिए जाता है। तो वो उससे बोलती है कामनी कि आप मुझे लिफ्ट दे दीजिए, मुझे भी उस फ्लाइंग वंडर को देखने के लिए जाना है और मेरी 6 साल की बेटी है बाबला जो कि मेरे साथ चलेगी। तो वो चलते 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 बात करते करते पहुंच जाते हैं एंड बात करते करते रास्ते में क्या होता है, बिशन जो है बात करते करते बताता है कि अभी वो पहुंचे नहीं है, लेकिन रास्ते में बात करते करते बिशन कामनी से बात करता है कि जब उनकी दादी 14-15 साल की थी तो उनकी शादी हुई थी, तब दादाजी के साथ वो ट्रेन देखने गई थी, तब ट्रेन बनी थी, नहीं आई थी ट्रेन, तो उसे देखने के लिए उनकी दादी गई थी दादाजी के साथ, 14-15 साल की उनकी एज थी। एंड दादी की इच्छा थी कि वो ट्रेन को देखे, तो वो दादाजी के साथ ट्रेन को देखने गई, लेकिन अभी फ्लाइंग वंडर को भी दादी की देखने की इच्छा थी, लेकिन वो बूढ़ी हो चुकी है तो वो उसे नहीं देख पाएंगी, इसीलिए वो मेरे साथ नहीं आई है और मैं उनको जाके विस्तार से फ्लाइंग वंडर के बारे में बताऊंगा। तो दादाजी ने क्या किया, जब दादी को जब ट्रेन दिखाने के लिए ले गए थे तो उन्होंने एक स्टेशन आगे की टिकट करवाई थी और दादी जी को घुमाया, तो उनका यह अनुभव बड़ा ही अच्छा रहा दादी जी का। पहली बार उन्होंने ट्रेन देखी, उसमें चढ़ी, घूमी एंड अपने आप को काफ़ी भाग्यशाली समझ रही थी। तभी फ्लाइंग वंडर की जगह एंड ये डिस्कशन उनका चलता रहता है कामनी का और बिशन का, तो तभी ये डिस्कशन चलते चलते वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं आस पास के गांव में जहाँ पे फ्लाइंग वंडर
उतरा हुआ था, तो उस जगह पर पहुंच जाते हैं एंड सभी उसे छू के देख रहे हैं। बिशन उसे देख के खुश नहीं होता है क्योंकि उसने तो सोचा था पता नहीं कितना बड़ा होगा, क्या चीज़ होगी। वह फ्लाइंग वंडर को देख कर कहता है कि कितना छोटा है। जब उसके फीचर्स के बारे में पता चलता है कि लड़ाकू विमान है, ऊपर से फायर करता है, दुश्मन को मार सकता है एंड इसके ब्लेड जो है वो काफ़ी कमाल के हैं, किसी को नहीं पता ये कि यहाँ पे लैंड क्यों है। जब वो इसके फीचर्स को सुनता है बिशन, तो उसको काफ़ी अच्छा लगता है उसको देख के। तो वो एकदम से कहता है कि ये क्या है, इतना छोटा सा, उसे पसंद नहीं आता है। लेकिन जब उसके फीचर्स के बारे में उसको पता चलता है कि एक लड़ाकू विमान है, दुश्मन को मार सकता है एंड इसके ब्लेड जो हैं वो काफ़ी कमाल के हैं, ये ऊपर से फायर भी कर सकता है, तो बिशन को ये काफ़ी अच्छा लगता है एंड किसी को भी नहीं पता है कि ये यहाँ पर क्यों लैंड हुआ है। जब पायलट इसे स्टार्ट करता है उड़ाने के लिए, उसके ब्लेड चलते हैं और जब वो उड़ जाता है फ्लाइंग वंडर, तो 6 साल की बच्ची अपनी माँ कामनी से सवाल करती है कि ये किसी पक्षी से टकरा नहीं जाएगा माँ? अगर ये किसी पक्षी से टकरा जाएगा तो क्या होगा? तो उसकी माँ कहती है, नहीं बेटी, पक्षी बहुत अच्छे होते हैं, वो किसी का बुरा नहीं कर सकते। बट कौवा तो कर सकता है। वो उसकी 6 साल की बेटी कहती है कि मम्मी कौवा तो कर सकता है, क्योंकि इस कौवा तो उसकी बेटी नहीं कहती, कामनी कहती है कि बट कौवा कर सकता है क्योंकि कौवा को जो है मनुष्य मानते हैं, बट वो इतना ऊंचा नहीं उड़ सकता। फिर से सवाल करती है उसकी बेटी, अगर बाज टकरा गया तो? उसकी माँ कहती है, नहीं, ये बहुत ऊंचा उड़ता है, आसमान को छू लेता है फिर वापस आने लगता है। आसमान को छू लेता है, बहुत ऊंचा उड़ता है, फिर धीरे धीरे नीचे आने लगता है। तो इतने में बिशन जो है अपनी कल्पना में खो जाता है और वो दादी को सब कुछ कैसे बताएगा था, घर पे जाएगा तो दादी को अपने को कैसे विस्तार से बताएगा इस फ्लाइंग वंडर के बारे में, कल्पना में खो जाता है। यहीं पे इस स्टोरी का एंड होता है एंड आई होप फ्रेंड्स आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। एंड नेक्स्ट वर्क है इनका गांधी द राइटर, 1969 में पब्लिश हुआ। आड्रेम इन हवाई 1978 में पब्लिश हुआ। सोशियो पॉलिटिकल करंट इन बेंगाल और 19th सेंचुरी परस्पेक्टिव 1980 में पब्लिश हुआ। आपको मैंने स्टील हॉक की सारी स्टोरी समझा दी है इन शॉर्ट में ही, काफ़ी शॉर्ट में समझाने की कोशिश करी है। आई होप फ्रेंड्स आज की क्लास आपको अच्छी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। फ्रेंड्स आपके लाइक एंड कमेंट्स हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड डे, टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स।